जुले के साथ ग्रीट कर सकते हैं। इसलिए सब एक बार फिर से जुले। थैंक यू सो मच। मंच पे उपस्थित ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी डॉक्टर नितिन कर्मकार जी, यहाँ के लोकप्रिय संसद और मेरे बड़े भाई माननीय श्री गिरीश बप्पर जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन श्री मूले जी, सचिन इक्कर जी, रजत पांडे जी, सुनील महाजन जी, शेखर मुंडा जी और इसी तरह यहां पर उपस्थित सभी ऑनरेबल डिग्निटरीज और इस सभागार में उपस्थित पुणे के प्यारे बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि आप सबके प्यार मोहब्बत और आप लोगों ने मुझे दिल्ली से यहां तक ही नहीं बल्कि लद्दाख से यहां तक खींच कर आए और इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से यहां पे इंटरेक्शन का जो अवसर दिया और पुणे लद्दाख मैत्री पर्व को लेके एक नेशनल इंटीग्रेशन के तरफ एक नया कदम हम रखने जा रहे हैं, इसका तहे दिल से पूरे लद्दाख के निवासियों की ओर से अभिनंदन करना चाहता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मूले सर जिन्होंने ये इंस्पिरेशन, जो मोटिवेशन हमें दिया और पुणे और लद्दाख को एक साथ एक मंच पे लाने का जो काम किया और साथ ही साथ सचिन इक्कर जी और उनके जो फ्रेंड्स जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करके केवल देश को नहीं पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे कि लद्दाख को पुणे ने अपना के मैं गर्व महसूस करता हूं एक लद्दाख के युवा संसद होने के नाते। और साथ ही साथ मुझे खुशी इस बात की है 1983 में मूले सर लद्दाख गए, 1984 में हमारे वाइस चांसलर साहब लद्दाख गए और 1985 में मेरा जन्म हुआ। अब इन दोनों के लद्दाख जाने में और मेरे जन्म होने में इनका कोई कंट्रीब्यूशन है ऐसा नहीं है, गलत फहमी मत होइए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है मेरे से ज्यादा लद्दाख को ये लोग जानते हैं। '85 में जन्मे एक बच्चा अपने होश संभालने में 15-16-17 साल तो लगे होंगे, लेकिन उससे पहले इन महान व्यक्तियों ने वहां जाके रिसर्च करके साइंटिफिकली लद्दाख को जानने की जो कोशिश किया और इन दोनों के सामने मैं यहां पर बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि लद्दाख को जिन्होंने डीपली जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं और पुणे के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं पहली बार पुणे आया। ऐसे जो विजनरी लीडरशिप आज मुझे मिला है मैं सौभाग्य समझता हूं और खुशनसीब समझता हूं कि इनके गाइडेंस में मुझे लद्दाख को एक नया दिशा देने का जो मौका, मुझे अवसर जो मिल रहा है, इससे बार सौभाग्य मैं सोचता हूं कि यहां के लोकल एमपी को भी क्या ऐसा सौभाग्य होता है
एमपी साहब बता रहे थे, हम दोनों पहली बार पार्लियामेंट में मिले थे जहां पे हम आयकर बनाने गया था और कन्वर्सेशन हुआ, तो मैंने बताया कि 16 लोकसभा में जो हमारा एमपी था मैं उनका पीए था। तो एमपी साहब हैरान हो गया। मैं मानी मन अंदर से सवाल उठा रहा था, भाई एक बस का कंडक्टर ड्राइवर बन सकता है, एक असिस्टेंट कुक हेड कुक बन सकता है, एक एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर बन सकता है, तो क्या एक एमपी का पीए क्या एमपी नहीं बन सकता? और मैं इस मंच से एमपी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अब अपने पीए से बच के रहिए, क्योंकि क्योंकि आजकल हर किसी का अच्छे दिन आ रहे हैं। और आप लोगों के ये प्यार मोहब्बत जो है मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और इसी यूथ गैदर को लेके मैं इसका अपॉर्चुनिटी लेते हुए मैं एक दो मैसेज देना चाहूंगा। अभी मेरे से पहले एक स्पीकर ये कह रहा था कि हमारा विचार अलग हो सकता है, पार्टी अलग हो सकता है, रीजन अलग हो सकता है, लेकिन उसके बाद मेन चीज उन्होंने नहीं कहा जो मैं कहना चाहूंगा, लेकिन देश हमारा अलग नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्यारे बंधु, इस देश को एक सक्षम राष्ट्र बनाने के प्रति, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए, एक न्यू इंडिया बनाने के लिए पूरे युवा भारत के यूथ को हमें आगे आना पड़ेगा। और वो केवल मैं मानता हूं सिर्फ हमारा उम्र कम होने से हम यूथ डिफाइन नहीं कर सकते। यूथ का एक मोटिवेशन होना चाहिए, एक स्पिरिट होना चाहिए, देश के आगे समाज के प्रति हम क्या कर क्या करें, इस खूबसूरत देश को आगे ले जाने के लिए हर एक युवा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहकर यह देश चलाने वाला नहीं है। सोशल मीडिया में लिखे अच्छी बात है, अच्छा विचार बांट रहे अच्छी बात है, लेकिन सोशल मीडिया से बाहर निकल के ग्राउंड पे उतर के प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, इस मोटिवेशन को लेते हुए हम क्या कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि केवल सब लोग पॉलिटिक्स में ही घुसे, हर लोग अपने अपने फील्ड में, अपने अपने एरियाज में, अपने अपने क्षेत्र में क्या हम देश के लिए कर सकते हैं। इस देश से गरीबी को मिटाने के लिए, इस देश से पॉल्यूशन को मिटाने के लिए, इस देश को एक नया ऊंचाई देने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और पॉलिटिक्स में बहुत मुझे मालूम है कि बहुत से हमारे युवा साथी ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम। नो, पॉलिटिक्स इज नॉट अ डर्टी गेम। मुझे लगता है ये कुछ लोगों ने हमारे जहन में डाला है, जिन लोगों को खतरा महसूस हुआ। इसलिए मेरे आप सब आग्रह है, पॉलिटिक्स इज नॉट अ डर्टी गेम। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर करने की कोशिश। पॉलिटिक्स अछूत नहीं है, वेदर यू हैव इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और नॉट, बट पॉलिटिक्स इज डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन यू। खुद को पॉलिटिक्स से जितना भी डिस एसोसिएट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन पॉलिटिक्स आपके हर दिन के, हर इस जिंदगी के हर दिन के हर एक्टिविटीज के साथ आपके साथ जुड़ा है। सेंसस से लेके, आधार कार्ड से लेके, आईडेंटिटी कार्ड से लेके, कॉलेज के एडमिशन से लेके, हर जगह एक पॉलिसी जो पॉलिटिक्स डिसाइड करते हैं। इसलिए अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लोगे तो पॉलिटिक्स खराब होगी। पॉलिटिक्स इज नॉट अ डर्टी गेम। हो सकता है एक दो पॉलिटिशियन डर्टी हो सकता है, लेकिन उनको देखकर पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, इस
राजनीतिक विद्या को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। इस देश के युवाओं का यह जिम्मेदार लेना चाहिए कि इस देश में अगर कहीं गंदे पॉलिटिक्स है, अब अपनी आंखों से देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, यू हैव टू फाइट इट। खुद को डिसोसिएट करके हमारे समाज सोसाइटी क्लीन होने वाला, साफ होने वाला नहीं है। इसलिए खुद को पॉलिटिक्स से जोड़ के और पॉलिटिक्स में घुस के और एक देश को नए दिशा देने के काम में हमें आना चाहिए। मेरा ये मेन मैसेज आज इस हॉल से पूरे पुणे सिटी से लेके पूरे भारतवर्ष को होगा, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूं आजकल महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहा है। मैं इस मंच से मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि इसके पक्ष में जाओ उसके पक्ष में जाओ, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं जरूर कहूंगा जहां आपको अच्छे पॉलिटिक्स नजर आते हैं, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन फ्यूचर, अ ब्राइट फ्यूचर, उनके समर्थन में आपको प्रचार के लिए भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि यही दिन है 5 साल डिसाइड करने के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत, मैं कभी हैरान होता हूं कि बहुत से जब कुछ अच्छे सोचने वाले लोग गेदर होते हैं तो वहां ये कहते हैं कि खासकर टीवी डिबेट्स में ज्यादा देखने को मिलता है कि पॉलिटिक्स से ऊपर उठ की बात कीजिए। यार पॉलिटिक्स से ऊपर क्यों उठ के बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में घुस की क्यों बात नहीं कर रहे? अगर पॉलिटिक्स इतना ही गंदा है तो हिंदुस्तान से पॉलिटिक्स ही खत्म क्यों नहीं कर रहे? इसलिए पॉलिटिक्स से ऊपर उठने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिक्स में घुस के उसको क्लीन करके फिर देश को आगे ले जाने के लिए हम सबको यह प्रेरणा उठाना पड़ेगा। और मुझे खुशी की बात की है आज यहां लद्दाख को लेके जो जानने की उत्सुक रखते हैं, जो जिज्ञासा रखते हैं, ऐसे लोग यहां पे आए हैं। मैं आप सबको एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों लद्दाख भारत के लिए केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, केवल भूमि का अंग जहां पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जंग लड़े, ऐसा वार युद्ध के मैदान ही नहीं है। लद्दाख पूरे हिंदुस्तान के लिए वो अनमोल रत्न है जिसको जानने की जरूरत आज देश को। जितना रिसोर्सेस लद्दाख में है पूरे देश भर में, मुझे नहीं लगता है कि लद्दाख के बाद पर उस प्रकार के रिसोर्स कहीं और है। लद्दाख इज ऑल्सो नाउन एज रिपोजिटरी ऑफ ग्लेशियर, जहां ग्लेशियर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एक्यूमुलेट होके वो ग्लेशियर जो है आपको लद्दाख में पाया जाएगा। सोलर एनर्जी, सोलर का जो पोटेंशियल जो है आपको लद्दाख में पाया जाएगा। लद्दाख इज ऑल्सो नाउन फॉर ट्रेजरी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, आज तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। एज वेल एज कल्चरली लद्दाख इज अ वेरी पीसफुल एरिया, पूरे देश दुनिया को एक शांति के संदेश देते हैं, कम्युनल हार्मोनी। वहां बहुत मुस्लिम बुद्धिस्ट और मुस्लिम किस तरह से दे रहे हैं, फैमिली रिलेशन, ब्लड रिलेशन, एक दूसरे को अपने न्यू ईयर्स ईद हो या लोसा हो ग्रीट कर रहे हैं। ऐसे खूबसूरत लद्दाख को आज देश को जानने की जरूरत है और देश के युवा पीढ़ी को जानने की जरूरत है। आजकल लद्दाख एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे पूरे दुनिया में मशहूर हो रहा है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र से पुणे से बहुत से टूरिस्ट ट्रैकिंग के लिए, बाइकिंग के लिए, राफ्टिंग के लिए, हाइकिंग के लिए बहुत से लोग आते हैं। लेकिन जो लोग आते हैं ज्यादातर ऊपर ऊपर से, पहाड़ खूबसूरत, वहां के विलेजेस, मोनेस्ट्रीज, कल्चर वो देख के चले जाते हैं, लेकिन कुछ छुपे हुए बात है वो देश को जानने की जरूरत है। मैं गर्व महसूस करता हूं इस मंच से कहने के आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को एक संदेश दे रहे हैं कि सिंगल यूज पॉलिथीन, प्लास्टिक बंद किया जाए। लेकिन
लेकिन आप लोग जाके हैरान होंगे, लद्दाख में ये नारा 20 साल पहले और वहां के विमेन सोसाइटी, वहां के महिला संगठन, जिन्होंने स्कूल तक नहीं देखा, उन्होंने इस पीड़ा को उठा के लद्दाख से सिंगल यूज पॉलिथीन जो है आज से 20 साल पहले हमें फेंक दिया। ये हमें सीखने की जरूरत है दोस्तों। और सोशल रिवोल्यूशन में मैं एक दो एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग जिज्ञासा रखते हैं कि लद्दाख को क्लोजली जानने के लिए। वहां जो वुमेन का स्टेटस है, पूरे भारत में आज वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इक्वल स्टेटस के लिए हम जो अलग अलग वर्कशॉप, सेमिनार, जन आंदोलन खड़ा करते हैं, मैं सोचता हूं लद्दाख से क्यों नहीं सीखते। यहां जिस तरह लड़की लोग लड़के के घर ब्याह करके जाते हैं ना, वहां लड़के भी लड़की के घर जाते हैं। वो संबंध इक्वल इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंट। कोई आपको नहीं पूछेगा कि घर जाना बन गया क्यों गया, कोई नहीं पूछेगा, इक्वल इंपॉर्टेंट है। और दहेज के तो नाम ही नहीं। तो ये चीजें जो है पूरे भारत वर्ष को जेंडर इक्वलिटी को लेकर, खासकर मैंने एक बात बोला और हजारों बातें हैं जो वहां समाज में मिंगल होते सीखने की जरूरत है। और मुझे आज खुशी हो रहा है वाइस चांसलर साहब ने जो यहां आने से पहले उनके ऑफिस में एक 10-15 मिनट की जहां मीटिंग किया था, उसमें ये डिसीजन लिया था पीसी साहब ने कि लद्दाख में पुणे यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च सेंटर खुला जाए। मैं पूरे लद्दाख के वासियों की ओर से वीसी साहब के साथ साथ मूल्य सर और पुणे, पूरा पुणे के निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए। अब इसी रिसर्च सेंटर में क्या क्या हो सकता है उसके साथ में पूरा लद्दाख का एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मैंने जिस तरह कहा लद्दाख में जो रिसोर्सेस थे उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्सप्लोइट नहीं करना चाहिए। 370 आर्टिकल हटने के बाद, 35A हटने के बाद, लद्दाख को नया केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी घोषित करने के बाद बहुत से लोग जो लद्दाख आना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, इंडस्ट्रीज को लेके या अलग अलग टाइप के काम को लेके आना चाहते हैं, उसमें दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक लद्दाख को एक्सप्लोर करने वाला, एक लद्दाख को एक्सप्लोइट करने वाला। मेरे हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक सबसे निवेदन है एक्सप्लोइट करने के लिए कोई भी ना आए, ये केवल लद्दाख के लिए नहीं पूरे देश दुनिया के लिए अच्छा होगा। जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं हम उसको वेलकम करते हैं। और इसी एक्सप्लोरेशन में अब वहां पे जब रिसर्च सेंटर चलने लगेगा तो बहुत सी चीजें जो है वहां पे रिसर्च हो सकते हैं, खासकर ग्लेशियर को लेकर। मैं कभी कभी सोचता हूं किसी साहब, जहां ग्लेशियर होता है वहां ग्लेशियर का स्टडी नहीं होता, जहां ग्लेशियर नहीं होते वहां ग्लेशियर का स्टडी क्यों होता। जहां हम लद्दाख में आइस हॉकी खेलते हैं, आजकल बहुत मशहूर है लद्दाख के हमारे युवा युवती जो है पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे कंट्रीज में मेडल जीत के लाते हैं और अपने देश में वो आइस हॉकी जो है एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट अभी तक नहीं है, उससे मुझे इतना दुख नहीं है। दुख मुझे इस बात के है जहां आइस हॉकी खेलते हैं वहां पे आइस हॉकी एकेडमी नहीं होते, जहां आइस ही नहीं होते वहां पे आइस हॉकी एकेडमी होते। सीधे इंटरेस्ट इसलिए मेरा प्रपोजल है लद्दाख में ग्लेशियर के लिए स्टडी होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। और कंसर्न हमारा ये है लद्दाख जो है आपके पुणे महाराष्ट्र की तरह रेन फेड वाटर पे निर्भर होने वाले नहीं है। वहां ग्लेशियर फेड वाटर पे हमारा खेती होता है, हमारा सिंचाई होता है, हमारा पीने का पानी जो है डायरेक्ट ग्लेशियर से आता है। और आज 21st सेंचुरी में दुर्भाग्य की बात है जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का जो ग्राफ राइज हुआ उसका इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट जो है लद्दाख जैसे पूरे हिमालय पे पड़ा,
और वीआर द फर्स्ट सफरर्स। बहुत सारे स्टडी हो चुके हैं, कुछ स्टडी का तो यहां तक कहना है कि आने वाले 20-25 साल के बाद लद्दाख जैसे हिमालय में कोई भी ग्लेशियर नहीं रहेगा, तो लद्दाख कहां जाएगा। तो इसलिए तुरंत रिसर्च होके उस ग्लेशियर को रिब्यूट कैसे करें, उस तरह पूरे देश दुनिया को एक ध्यान देने की जरूरत है। एंड सेकंड थिंग, वहां जितना जियोलॉजी का स्टडी हो सकता है, मुझे नहीं लगता है कि कौन और हो सकता है, ऋषि सर बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इंद्र सर भी जानते हैं, वहां अलग अलग जो रॉक फॉर्मेशन जो है, सॉइल फॉर्मेशन जो है, अलग अलग किस्म के है। और सेम बात है, जहां स्टडी होना चाहिए वहां नहीं होते, जहां नहीं है वहां होते, इसलिए खुशी की बात है। और साथ ही साथ वहां टूरिज्म पे, कल्चर पे, लैंग्वेज पे, बुद्धिज्म पे, और विशेष रूप से डिफेंस वहां पे स्टडी करने के लिए एक अच्छा हब बन सके। तो इस तरह से हमें बहुत सोचना होगा और बहुत करना होगा। और इन सबका बेनिफिट केवल लद्दाख को मिलने वाले नहीं है, पूरे भारत को मिलने वाले, पूरे देश को मिलने वाले। और वहां पे आईटी हब, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब जो है, लद्दाख पूरे देश के खासकर सुरक्षा की दृष्टि से लेके, क्योंकि लद्दाख टॉप पे बैठे, वहां बैठे पूरे दुनिया को आप सर्वेलेंस कर सकते। तो ऐसा जो इंपॉर्टेंट जो है, इसलिए मैं कहता हूं लद्दाख भारत के लिए केवल भूमि का एक टुकड़ा, एक अंग नहीं है, यह एक अनमोल रत्न है, इसको जानने की जरूरत है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबको इनवाइट करना चाहूंगा, जिंदगी में एक बार लद्दाख जरूर देखिए, और वो भी कम उम्र में, आपको देखने का मजा ही नहीं, फिर आप लद्दाख से जो सीखेंगे पूरे जिंदगी बाद पुणे के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में आपको ये मैसेजेस जो है लद्दाख से, जो आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो लद्दाख से आपको मिलेगा, अभी मैं दे रहा हूं तो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन लद्दाख से जो आपको जानने को देखने को मिलेगा वो पूरे देश दुनिया में आप फैला सकते हैं। मैं ऐसे आप सबको निवेदन के साथ मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई आप सब ने यहां पे सुनने का क्षमता रखा, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि साहब, भूले साहब, और यहाँ पे सभी ऑर्गेनाइजर्स को, और यहाँ पे जो डिग्निटीज यहाँ पे प्रेजेंट है इस हॉल में, और खासकर मीडिया बंधु, आप सबको एक बार फिर से एक लद्दाख के युवा संसद की ओर से प्यार भरा जुले नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद नामग्याल जी। आपण सगळे जण अध्यक्ष ज्ञानेश्वर जी मुळे यांना ऐकायला उत्सुक आहात, त्यांच्या भाषणापूर्वी फक्त एक 2 मिनिटांमध्ये जैन इंटरनॅशनल तर्फे आपल्याला इथे अशोक जी एक छोट निवेदन। नमस्कार, नामग्याल जी हमारे पुणे के लिए नामदेव, मैं आपसे बहुत इंप्रेस हुआ हूँ, और आपसे इंस्पायर होकर हमारे सांसद जी की साक्षी में और पूरे ऑडियंस की साक्षी में हमारे जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लद्दाख में, लेह में, जहाँ भी आप हमको जमीन देंगे वहाँ पर हमें किसी भी स्टेट को, किसी भी सिटी को किसी से जुड़ना है तो आप उसको एजुकेशनल, कल्चरल और अनेक माध्यम से आप उसको जोड़ सकते हैं। तो मैं जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस मंच से ले या लद्दाख में जहां भी आप अपने जमीन उपलब्ध करा के देंगे वापस 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वहां पर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आध्यात्मिक मंदिर, ताकि पूरे वर्ल्ड से, ना केवल हिंदुस्तान से, पूरे वर्ल्ड से वहां पर लोग आए, हमारे कल्चर का, हमारे धर्म का एक्सचेंज ऑफ ये हो, और इससे हमारे
प्रेम में स्नेह में वृद्धि हो और आप हमें लता के लगे लगे और हम आपको लता के लगे ऐसा उसमें भाव निर्माण हो। थैंक यू वेरी मच। ज्ञानेश्वर जी बोले हमारे युवा सांसद श्रद्धेय श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल जी उर्फ नामदेव संत नामदेव यहाँ पर उपस्थित पुणे विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री करमलकर जी हमारे पुणे के लोकप्रिय सांसद श्री गिरीश पाकर जी आज इस कार्यक्रम का आयोजन जिन्होंने किया उस आयोजक समिति के मुख्य श्री सचिन इटकर जिन वक्ताओं ने और उनके कार्यकर्ता जिन वक्ताओं ने यहाँ भाषण किया राजेश पांडे जी संजय नाहर जी ने बड़ी सटीक बात कही है हम लद्दाख के हैं बहुत अच्छा संदेश है मैं समझता हूँ। अभी फिलहाल महाराष्ट्र में बाढ़ आई थी और हमने दो गांव गोद लिए दबकट लिए मराठी में कहते हैं लेकिन उस गांव में जब मैं गया तो मैंने कहा हमने गांव दब तक नहीं लिया ये गांव हमने दब तक नहीं ताकि इसके लिए हम कुछ काम कर सके उसी स्पिरिट में इन्होंने बात की है। निवेदिता एक मोटे जी ने भी बात की यहाँ पर सुजन पाल सिंह जो खास दिल्ली से आया है उन्होंने बात की और यहाँ पर चोड़िया जी ने नेशनल इंटीग्रेशन का जो अवार्ड आज दिया हमारे मुख्य अतिथि को और फाइनली हमारे जो यहाँ के निवेदक है संचालक है इन सब के सब का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे एक महफिल इस लेवल पे आ गई है इस मकाम पे आ गई है कि मुझे अपने बेसुरी आवाज में कुछ सुनाना बहुत ही गलत लगता है लेकिन तब भी मैं 10 मिनट में थोड़ी इस आज जो हमने काम किया है ये अद्भुत है ऐतिहासिक है और मुझे लगता है कि शायद आपको संसद में आपके भाषण ने लॉन्च किया लेकिन महात्मा फुले की इस पुण्य भूमि में लद्दाख के जुलेह पुत्र श्री नामग्याल जी दोनों ने मिलकर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में एक नए पर्व की शुरुआत की। महाराष्ट्र में जो विचारवंत रहे हैं उन्होंने हमेशा अंतर भारत की बात की है। आप सब जानते हैं कि हम सब लोग शेक्सपियर के बारे में जानते हैं मिल्टन के बारे में जानते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में जानते हैं लेकिन अगर किसी ने पूछा कि आप मुझे ओडिशा के किसी एक लेखक का नाम बताइए हमें पता नहीं किसी बंगाल के फिलोसॉफर का नाम बताइए तो बड़ा मुश्किल हो जाता केरल के व्यक्ति को पंजाब के बारे में पता नहीं होता और बंगाल के व्यक्ति को जो है शायद तमिलनाडु के बारे में पता नहीं। विश्व बंधुत्व की जो कल्पना है वो तभी शुरुआत होगी जब हम आपस में एक दूसरे को जानने लगे। आपने कहा कि मैं 1983 में लेह चला गया उसकी शायद वजह ये थी कि मुझे और करमलकर जी को ये आशंका हो गई थी कि यहाँ कोई एक नया भूमिपुत्र ऐसा आने वाला है जो पूरे भारत में लद्दाख को पहली बार लद्दाख को एक नई पहचान देगा तो उसकी आहट के लिए उस भूमि के दर्शन के लिए शायद हम 1983 और 1984 में शायद गए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि कल ही हमारा दशहरा जिसको बोलते हैं मराठी में दशहरे की महाराष्ट्र में अगर कोई खासियत है तो दशहरे में सीमोल्लंघन करना। पुराने जमाने में महाराष्ट्र के जो मराठा राजे थे महाराष्ट्र वो बाहर के देश के प्रदेश में जाके उन देशों के साथ वहां पर लड़ाई करते थे और प्रदेश जो है जीत कर लाते थे लेकिन आज लद्दाख और महाराष्ट्र के बीच में एक नया सीमोल्लंघन हो रहा है जो कि हमारे देश के अंतर्गत भी बहुत जरूरी है एक दूसरे को जानना एक हृदय हो भारत जननी हम कहते हैं भारत जोड़ो का नारा लगाते हैं लेकिन वास्तव में इसके लिए काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। जब हम ये शब्द सुनते हैं प्रतिनिधि मंडल या डेलीगेशन कहीं जा रहा है तो हमारे कान में गूंजता है कि अमेरिका की तरफ जा रहे हैं
डेलीगेशन कहीं जा रहा है, मतलब इट हैज टू गो टू यूके, इट हैज टू गो टू अमेरिका, इट हैज टू गो टू सम कंट्री लाइक जापान, बट अगर हम ये कहें कि महाराष्ट्र से 500 लोग जो है पंजाब की संस्कृति जानने के लिए जा रहे हैं, या फिर लद्दाख के 500 लोग जो है केरल की संस्कृति जानने के लिए आ रहे हैं, तो मुझे लगता है वो असली प्रतिनिधिमंडल तो यही है। जब हम आपस में एक दूसरे को जाने तभी हम दुनिया को जानने के लायक हो सकते हैं। मैं जब 1983 में लेह चला गया, पहली बार नामग्याल जी मैंने ये जाना कि अपनी भारतीय की जो पहचान है वो क्या होती है, इसका मुझे पहली बार पता चला। मैं सबसे प्रभावित हो गया वहां की पत्थरों से, इतने सुंदर, इतने विविध आकार के, इतने विविध रंग के, इतने मोहक और ऐसी अरेंजमेंट वाले पत्थर शायद दुनिया में कहीं नहीं आपको देखने को। आप कुछ भी नहीं देखना चाहते हो तो जरूर वहां के पत्थरों के दर्शन के लिए जरूर जाइए। तो आज का ये जो भाषण होते हैं, लोग टोपी डालते हैं, चल भी जाते हैं, टोपियों की आज तो बहुत कमी दिखती है क्योंकि इतनी टोपियां डाली गई है कि नई टोपियां डालने की शिलत नहीं है, कोई बात नहीं। तो मेरा ये कहना है कि हम एक नए, असल में नए कोऑपरेशन की शुरुआत करें, नए पर्व की शुरुआत करें। अब यहाँ तो नया मैत्री पर्व क्या है, आप लोगों ने तो इसकी नींव रखी है, इमारत की नींव रखी है, फाउंडेशन बना दिया है, लेकिन इस फाउंडेशन के ऊपर एक सुंदर इमारत बनाना जरूरी है। वो इमारत कभी बनेगी कि आज के जो हमारे एफर्ट्स है उसको हम शत गुणित करें, 100 गुना करें, 200 गुना करें, 500 गुना करें, 1000 गुना करें। पुणे ऐसा शहर है जो बहुरंगी है, बहुरंगी है। पुणे के थे काय उन्हें, ऐसा यहाँ के लोग अक्सर बोलते हैं, मतलब यहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ बौद्धिक संपदा है, सांस्कृतिक संपदा है, शैक्षिक संपदा है, वैचारिक संपदा है, बौद्धिक संपदा है। यहाँ के जो नेता जो है उन्होंने महात्मा गांधी को भी दृष्टि देने का काम किया है, जो आप जानते हैं गोखले जी का नाम, उन्होंने वो महात्मा गांधी के गुरु थे, और महात्मा गोखले जी के साथ जिन्होंने एक अलग तरीका फिलोसॉफी दी, पॉलिटिकल फ्रीडम इज माय राइट एंड वर्क राइट एंड आई हैव इट, वो तिलक जी यही। तो ऐसे शहर से, और किसी ने कहा सही मायने में कि लद्दाख जो है वो लिटिल इंडिया है, लेकिन महाराष्ट्र जो है अपने आप में एक महान। बाकी राज्यों के नाम आप देखिए वो प्रादेशिकता में टिके हुए हैं। ये एक ही ऐसा राष्ट्र, एक ही ऐसा राज्य है जो अपने आप को राष्ट्र कहने में इसको, और वो भी महान राष्ट्र की संकल्पना जो है वो यहाँ के महापुरुषों ने की है, इसलिए कहा है। तो ऐसा महाराष्ट्र और लद्दाख जो मुकुट मणि है, लद्दाख क्यों महत्वपूर्ण है, आज तक जम्मू कश्मीर लद्दाख बोल देते हैं। मैं जब जम्मू कश्मीर लद्दाख सुनता था तो मुझे हमेशा लगता था राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और आप जानते हैं कि भरत शत्रुघ्न को हम ज्यादा भाव नहीं देते। या महाभारत में धर्म अर्जुन भीम नकुल सहदेव, नकुल सहदेव के बारे में अक्सर हम सोचते भी नहीं, वैसे ही कुछ लद्दाख की हालत हो गई थी। पहली बार है लद्दाख मेरे ख्याल से राष्ट्रीय मंच पर उभर आया है, और हम इसके लिए आपका बहुत अभिनंदन। मित्रों, मैं बहुत ज्यादा लंबा बात ना करते हुए आज के इस समारोह में क्या निष्कर्ष लीजिए है, क्योंकि हम सिर्फ बोलाचा से भाग कर बोलाची से कड़ी करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आज इस प्रोग्राम के तहत हम एक नया एक्शन प्लान बनाएं, जो एक्शन प्लान सरकारी नहीं है, जनता और जनता के बीच में, यहाँ की जनता और लद्दाख की जनता के बीच में एक्शन प्लान है। सरकार तो करती रहेगी अपना काम, लेकिन मराठी में कहावत है गांव करे तेरा उपाय, मतलब जो आप जनता को इस चीज सोचती है तो उसके परे और कुछ नहीं होता है। तो इसमें आज हमने जो कुछ निर्णय लिए हैं उसके बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। पहला तो निर्णय हमने ये लिया है कि पूना में लद्दाख के सहकारिता कोऑपरेशन विद लद्दाख, उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ एक कार्यालय थी, और इस कार्यालय का काम सिर्फ ये रहेगा कि लद्दाख के बारे में जिसके भी पास जो भी प्रपोजल है वो इस कार्यालय में आ जाए। उसके लिए हमने एक यहाँ पर समन्वय
कोऑर्डिनेटर की भी नियुक्ति कर ली है और उसका नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, सचिन इटकर और करण तावले। करण तावले अगर प्रेक्षागृह में है तो भी अपना हाथ ऊपर कर या खड़े हो जाए जहां पर भी है। आप जो भी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूं, आप जरूर ये लिख लीजिए 9921007101। रिपीट करता हूं 9921007101। एक बार फिर रिपीट करता हूं 9921007101। ईमेल karan.tawle tawle@hotmail.com। तो ये तो पहली बात हो गई कि यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस रहेगा जो यहाँ से जाने वाले जितने भी प्रपोजल है उसको हम कोऑर्डिनेट करेंगे, उसको स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे। और ये जो आज के इसमें से निष्कर्ष दूसरा आया हुआ है कि यहाँ पर एक ग्रुप काम करेगा, उसका नाम होगा लद्दाख डेवलपमेंट ग्रुप बेस्ड इन पुणे और हेडक्वार्टर इन पुणे, और वो सब ये काम आपकी तरफ से करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो आज हो गया है, सुखपुर गुरु जी ने उसके बारे में संक्षिप्त में बात की, पुणे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ की तरफ से लद्दाख में एक रिसर्च सेंटर जो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो पर्यावरण के बारे में रिसर्च करेगा, अनुसंधान करेगा, जो आइसबर्ग के बारे में अनुसंधान करेगा, जो जियोलॉजी के बारे में अनुसंधान करेगा और अन्य प्लांट्स वहां पर मेडिसिनल प्लांट की बात होगी उसके बारे में बात करें, ऐसी जो भी 7-8 एरियाज है जो इम्पोर्टेंट संशोधन के लिए, वो पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से ये भी निर्णय हो गया है कि पुणे यूनिवर्सिटी विल एस्टैब्लिश मेजर रिसर्च सेंटर इन लद्दाख। इसके अलावा हमने डिसाइड किया है कि वी विल हैव वर्किंग ग्रुप्स एंड ईच वर्किंग ग्रुप विल बी लेड बाय वन ऑफ द prominent experts in that field, and these experts will further coordinate with other people aur coordination ke sath us area mein, aur hamara principle yahi hai explore not exploit, cooperate not conflict। hame puri tarah se janna chahiye ki humne jo parv shabd use kiya hai usme ye sense hai ki ye pavitra bhava cooperation jo hai ye pavitra rahega, Ladakh ki bhumi pavitra hai, नॉन पोल्यूटेड है, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो वित्तीय हो, किसी भी तरह का प्रदूषण हम वहां पर नहीं लेना चाहते हैं। वहां के पर्यावरण की सैंक्टिटी रखकर, पवित्रता रखकर जो भी काम होगा वो किया जाएगा। और जो हम वर्किंग ग्रुप एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, और आप में से भी कोई अगर इसमें दिलचस्पी रखता है तो आप संपर्क करेंगे। सबसे पहले पर्यावरण के बारे में वर्किंग ग्रुप होगा जो काम करेगा वेस्ट डिस्पोजल, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम पर्यटक बनकर वहां जाएंगे लेकिन हम पहली बार वहां पर तो प्रदूषण करके आ जाते हैं, प्लास्टिक के थैले फेंक देते हैं, बाकी कागज फेंक देते हैं, तो वेस्ट डिस्पोजल ऑलरेडी इज अ मेजर प्रॉब्लम इन लद्दाख। और जब तक कुछ हम अच्छा उसमें कर नहीं सकते तब तक उसका पूरी तरह से हल नहीं हो पाएगा। दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग। ये 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो सिर्फ 2,75,000 लोगों में बना हुआ, एक स्क्वायर किलोमीटर के पीछे सिर्फ 4 लोग हैं। तो आपको अगर कुछ काम करना है तो अंदर से बहुत जोश चाहिए, दम चाहिए, जिगर चाहिए, जुनून चाहिए, तभी ये काम। तो आपको तो जिसको भी दिलचस्पी है तो कैपेसिटी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और टेक्नोलॉजी के बारे में हो, नए एजुकेशन शैक्षिक प्रयोग हो, इसमें भी आप जरूर इंटरेस्टेड, हम उसमें एक वर्किंग ग्रुप एस्टैब्लिश करेंगे। एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग अलॉन्ग विद मेडिसिनल प्लांट्स, इसके लिए हम अलग वर्किंग ग्रुप एस्टैब्लिश करेंगे। आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, क्योंकि लद्दाख के जो है आर्ट्स बहुत ही मशहूर है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है वो मिलना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारे एक्सपर्ट जो है आपके कलाकारों के साथ काम करेंगे और उसमें किस तरह से इसको जो है कमर्शियली वायबल
एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, इस तरह का मॉडल हम किस तरह से बना सकते हैं, इसके बारे में काम करेंगे। अब फाइनली एजुकेशन, पर्टिकुलरली एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, इसके लिए फोन करके भी बताया है कि हम जो है इसके साथ काम करने के लिए तैयार है। यहाँ पर जय इंटरनेशनल ने कोई कॉन्क्रीट ऑफर भी दी है, उसको भी हमें देखना चाहिए कि किस तरह से उसका सही इस्तेमाल हो ताकि लोगों के पास, लोगों की तरफ इसका सही फायदा पहुंचाया जाए। और फाइनली मैं समझता हूँ कि इस कोऑपरेशन का सबसे बड़ा हिस्सा होगा हमारे युवा वर्ग। आर यू रेडी? आई वॉन्ट यूथ टू बी कनेक्टेड टू लद्दाख, यूथ ऑफ लद्दाख एंड यूथ ऑफ पुणे महाराष्ट्र, दे कैन बिल्ड व्हाट वी कॉल पुणे लद्दाख बिल्डिंग फ्यूचर टुगेदर। तो आई थिंक यू नो बिकॉज आपकी ऊर्जा है, आपकी शक्ति है और आपने देखा भी है कि एवरीबडी इज रियली वेरी यंग एंड बट ऑफ कोर्स हम नहीं समझते हैं कि एज के साथ एजिंग जुड़ा हुआ है। एज इज ओनली नंबर, अभी तो बहुत फिल्म बाकी है, अभी तो उसकी शुरुआत है। एंड फाइनली टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स इज वेयर आई वॉन्ट the youth to come forward, give their ideas and bring sustainable tourism and sustainable sports. Skiing, हमारे देश में अभी भी खेलना कम important समझा जाता है। Scholar, बच्चा को scholar होना चाहिए, बड़े से बड़ा चश्मा लगना चाहिए, that means he has a bright future. मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम लद्दाख की तरफ जाएं और देखें कि कितना pure है वहाँ का पूरा atmosphere, कितना original है, कितना genuine है। और वहां पर स्कीइंग जैसे स्पोर्ट्स जो है उसकी सुविधाएं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, विंटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मैं समझता हूं कि समय आना चाहिए कि हाई आल्टीट्यूड विंटर ओलंपिक्स हर लद्दाख के लिए आज से 10 साल के बाद हाई आल्टीट्यूड इंटरनेशनल लेवल का ओलंपिक्स। अब उसमें जो है लद्दाख के बच्चे सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल ले पाएंगे क्योंकि इतने ऊंचाई पर जीने का किसी को जीने की किसी को आदत नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसको हम आगे बढ़ा देंगे और आपके और मेरे परम मित्र ऋषि किरण ऋषि जी साहब भी मुझे लगता है कि इसको बहुत खुशी से इस प्रपोजल को उठाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे पास कहने के लिए यही था। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी और बहुत बड़ी शुरुआत आज आप लोगों ने की है। डेढ़ महीना पहले मेरे कार्यालय में मैंने बुला लिया, उनके भाषण से मैं भी प्रभावित। मैंने कहा प्रभावित होने के बाद घर में जाकर सोना दिस डजंट गो वेल। मैंने उनको बुला लिया अपने कार्यालय में एक डेढ़ महीने पहले और मैंने कहा कि अभी मुझे पता नहीं बट व्हाट आई वांट टू डू इज सिटीजंस ऑफ महाराष्ट्र मस्ट गेट कनेक्टेड विद और सिटीजंस ऑफ लद्दाख मस्ट गेट कनेक्टेड पुणे। और फिर हमने मैंने कहा कि ये मेरी ब्लूप्रिंट, मेरे मन में जो अभी इस वक्त चमक रही है वो इस तरह की है, आपको सबसे पहले आके लोगों के साथ संवाद करना है। और दो बात मैंने कही थी कि भारत के बारे में आपकी विजन क्या है वो बताइए और दूसरे महाराष्ट्र और लद्दाख के ऑपरेशन के बारे में बताया। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इसका उद्बोधन किया हुआ है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ज्यादा मैं खींचना नहीं चाहता हूँ आपकी पेशेंस को, आप सब लोग इतनी संख्या में आए, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हॉल जो है भर भर कर बह रहा है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय महाराज एंड जय बाबा जुले। धन्यवाद मोहित सर। यानंतर महा एनजीओ फेडरेशन चे संस्थापक आजचे आयोजक क्षेत्र मंडळा एक घोषणा करते, आभार प्रदर्शन थोडक्यात अगदी करते कारण आपली चुळबुळ त्यांच्या लक्षात आलेली आहे आणि त्या आभार प्रदर्शनानंतर आपण क्षणभर थांबायचं आहे कारण राष्ट्रगीतानं या कार्यक्रमाचा समारोप होणार आहे। क्षेत्र मंडळ आदरणीय नामजी, आपने दो तीन बातें बताई कि सभी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए लेकिन महाराष्ट्र में बहुत डिफिकल्ट लगता है, लोगों की बहुत इच्छा है लेकिन पॉलिटिक्स करने वाले जल्दी पॉलिटिक्स में आने नहीं देते
और उसमें और डिफिकल्ट आपने जो बोला कि पीए भी एमपी बन सकता है, वो महाराष्ट्र में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि पीए जैसे मजबूत हो जाता है उसको निकाल दिया जाता है, दूसरा पीए रख दिया जाता है। मैं पापड़ साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। दूसरा आपने बोला कि यूथ को आगे आना चाहिए, तो यूथ के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन आपने दे दिया है, घर जवाई का जो ऑफर आपने दिया है, मुझे लगता है कि काफी ये अभी लद्दाख आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ, हम चार ऑर्गेनाइजर्स सचिन इटकर, मैं, राजेश पांडे जी और सुनील जी, इन्होंने ऐसा सोचा कि आज एक प्रोग्राम करके यहाँ नहीं रुकना है, तो हम आज एक आपको विनती भी करना चाहते हैं और एक अनाउंसमेंट भी करना चाहते हैं कि हमारे अंदर महाराष्ट्र के 1500 एनजीओ है महा एनजीओ फेडरेशन में, और सुनील संजय महार जी और कर्मन जी ने बताया कि वहाँ के लोगों को समझो, वहाँ की डिफिकल्टी को समझो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो अभी काफी लोग आगे आएंगे, होटल इंडस्ट्री आगे आएगी क्योंकि वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन वो लोगों को समझने के लिए हम महा एनजीओ की तरफ से 100 एनजीओ का डेलीगेशन है, एजुकेशन, एनवायरमेंट और हेल्थ, और बाकी हमारे पास 25 फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, तो हम एक 100 एनजीओ का डेलीगेशन 5 से 7 दिन के लिए हम लोग लद्दाख में आना चाहते हैं और उसको समझना चाहते हैं। उसमें से कई एनजीओ यहाँ पे आज उपस्थित है। बस अभी लास्ट इस पे आता हूँ कि जितने भी आज के हमारे अतिथि आज यहाँ पे पधारे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे यूथ जो मॉडर्न कॉलेज सूर्य दत्ता डीवाई पाटिल इधर से आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने आज के प्रोग्राम में हमको हेल्प की है, रामदास सुतानी जी, युवराज शाह, गिरीश देसाई, ऋषभ पारेख, रवि चौधरी जी, सोमनाथ जी पाटिल, रामचंद्र देखने और उद्धव कानाने, और आप सभी अगर नहीं आते तो ये प्रोग्राम इतना बढ़िया नहीं होता, तो मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।